ठीक है भी? आओ। हाँ? तो क्या होता है? इतनी भयंकर मशीन है ना अंदर, बहुत भयंकर वाली मशीन है, बहुत भयंकर मशीन है। देख के डर गया भाई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और अभी सुबह सुबह अभी सुबह हो रही है और सुबह के आप देख सकते हो 9:30 बज रहे हैं। और जैसे कि आपको पता ही था पिछले व्लॉग में भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अभी तो उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। और अभी पापा जो है भाई की मालिश कर रहे हैं। और पापा भाई की तबीयत क्या हो गया बेटा? तबीयत ना, ये है चेहरा भाई का, ये तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज है। तो अभी डॉक्टर से मेरी बात हो गई, डॉक्टर के बाद ले जा रहे हैं और हो सकता है कि 4 दिन से सर का दर्द नहीं जा रहा, तो न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है सर की, तो होता है एडमिट भी करना पड़े, ठीक है ना? अच्छा। तो मैं लेकिन मैंने सोचा थोड़ा मालिश करके थोड़ा सा टोपी पहना करके एक बार धूप में बैठा देते हैं ना, फिर देखते हैं क्या होता है ना। तो मतलब आप देख सकते हो भाई से कुछ बोला भी नहीं जा रहा, भाई सोए पड़े हैं और कुछ खा भी नहीं रहे हैं। तो 4 दिन से कुछ खाया भी नहीं है और मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई, मतलब कैमरा उठाने की भी ताकत नहीं है भाई को, इसलिए ब्लॉग मैं ही बनाऊंगा। और भाई तो अभी हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास ही जाएंगे मेरे हिसाब से, है ना पापा? अभी जाना पड़ेगा क्योंकि अब ज्यादा हम वो नहीं करते ना कि इसको लाइट में नहीं ले सकते, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीजें भी बिगड़ जाती है ना तो बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो अभी 4 दिन से खाना बंद है, तो फ्रूट्स ही खा रहा 4 दिन से, बस यही था। और भाई को अभी डॉक्टर के पास ले जाएंगे, फिर जैसा होता है देखते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। सो गाइज, अभी मैं नहा धो के रेडी हो गया, मेरा एग्जाम भी था तो मैंने एग्जाम भी दिया था। और अभी मैं ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके रेडी हो गया हूँ क्योंकि अभी हमको भाई को ले जाना है हॉस्पिटल। और भाई को देखो आप गाइस, ये देखो भाई मतलब अपने जूते बांधने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब बहुत बुरी तबीयत हो गई है भाई की। तेल भी लगाया था पापा ने सर पे, और मम्मी भी यहाँ पर देखो सामान पैक कर रही है, तो जल्दी से हमको बहुत जल्दी हो रही है और बस निकलते हैं जल्दी से। और ये बैग आज मैं पहनूंगा, तो मतलब आज आपका दिव्या शांडे व्लॉग्स मैं बन गया हूँ। तो जल्दी से चलते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास अभी जाएंगे। गाइस पापा ने गाड़ी निकाल ली है और अभी हम जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। हमारे मामा भी आ चुके हैं हमारे साथ, और माँ प्रणाम, तो मामा भी चलेंगे हमारे साथ। So guys, हम पहुंच गए लगभग जहाँ हमको जाना था, जिस हॉस्पिटल में हमको जाना था वहाँ पहुंच गए। और भाई भी यहाँ पर हैं सामने, वहाँ पर जाकर हमारा जो है हॉस्पिटल है वहीं पे चलेंगे अभी। पहले भी होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। जो पहले का सिर दर्द होता है वो रिलीफ कैसे आता है? अभी हम दूसरे ग्लूकोज चढ़ाने आए हैं भाई को, तो यार ग्लूकोज चढ़ेगा भाई को अभी। तो गाइस भाई को देखो आप जरा, भाई इसमें सारी दवाई दी दी है और सब दवाई डालनी है अपने बॉडी के अंदर, और फिर होगा सीटी स्कैन, सर का स्कैन होगा भाई, मतलब सर का स्कैन होगा भाई का, और सारी इतनी सारी दवाइयां भाई जो है लेंगे। और ये देखो पर्चा है, तो पर्चा दिया है, पापा गए दवाई लेने, पापा गए हैं अभी, तो अभी भाई को दवाई पड़ेगी। भाई अभी गाइस भाई को ग्लूकोज चढ़ गया। सो गाइस अभी हम हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं और हॉस्पिटल में व्लॉग बनाना अलाउड नहीं था, और डॉक्टर ने बोला कि आप लोग बाहर जाओ पेशेंट को आराम करने, तो इसलिए हम बाहर आ गए। और अभी बहुत भूख लग रही है यार, तो कुछ खाते हैं देखते हैं क्या है। और भाई को तो अंदर ग्लूकोज चढ़ रहे हैं तो हम बाहर आ गए, तो ये रीजन था कि अंदर व्लॉग नहीं बना पाया ज्यादा मैं, तो अभी चलते हैं गाइस। सो गाइस अभी हम आए हैं सचदेवा स्टोर पे आए हैं,
मम्मी को कुछ अपने पार्लर के लिए सामान लेना था तो वो अभी हम लेंगे। सैलून में मम्मी को सामान की जरूरत पड़ती है तो वो मम्मी के पास थोड़ा खत्म हो गया था तो वो लेने आए हैं अभी। तो अभी दिखा देता हूँ आपको कहाँ आए हैं। तो ये है गाइस सचदेवा स्टोर, देख सकते हो आप, यहीं पर हम आए हैं और यहीं पर सामान लेने आए हैं। और भाई तो अभी हॉस्पिटल में ही है तो अभी वही जाएंगे सीधा यहाँ से सामान लेने। तो गाइस अभी हम आए थे यहाँ पर टीवी शोरूम है, आपको दिख रहा होगा पीछे ये। तो यहाँ पर अभी हम आए थे और क्योंकि मामा का टीवी जो है नैतिक ने फोड़ दिया था, नैतिक आप जानते ही होंगे हमारा छोटा भाई, और उसने टीवी मतलब ऐसी खेल खेल में शैतानी में फोड़ दिया। तो अभी हम नया टीवी लेने आए हैं इधर, तो देखते हैं टीवी सिलेक्ट कर लेते सिवा ने। सो गाइस भाई को जो है अभी अभी ट्रिप चढ़ी थी और ग्लूकोज चढ़ गया, अभी भाई जस्ट आए हैं और अभी देख सकते हो आप भाई को ड्रिप चढ़ गई, चढ़ी थी ड्रिप, फाइनल ड्रिप चढ़ गई। अब जा रहे हैं सीटी स्कैन के लिए, अब सीटी स्कैन के लिए जा रहे हैं भाई जो है, यहाँ पर जाएंगे। और अंदर इतनी भयंकर मशीन है ना, अंदर बहुत भयंकर वाली मशीन है, बहुत भयंकर मशीन है, देख के डर गया भाई, देख के डर गए भाई हम। भाई अभी जा चुके हैं अपने सिटी स्कैन के लिए और अभी अभी गए, जैसे कि आपने देखा तो वहाँ पर फोन अलाउड नहीं थे तो इसलिए हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। तो अभी भाई का वेट करते हैं, भाई जब भी जल्दी बाहर आए हैं। सो भाई आ गए हैं और मतलब भाई सिटी स्कैन में मज़ा आ गया भाई को। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल से, हमारा सिटी स्कैन जो भाई को करना था वो हो गया है, कंप्लीट। अब जा रहे डॉक्टर के पास, फाइनल ये लेके, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये लेके सिटी स्कैन लेके। सो गाइस फाइनली अभी चेकअप हो चुका है एंड अब हालत हो रही है कि ब्लॉग कर सकूं। अब जा रहे सीधा घर एंड यहाँ पे थोड़ा जूस पी लेते हैं, मौसमी का प्योर मौसमी का है, उसमें वो मत डालना, प्योर मौसमी का जूस है, ये पीते हैं एंड फिर घर चलते हैं। अभी फाइनली घर पहुंच चुके हैं एंड मैंने अपनी दवाई वगैरह खा ली है और ओम खाना खा रहा है। ओम क्या खा रहा है? क्या सब्जी? क्या बड़ी सब्जी? बड़ी सब्जी, तो बड़ी की सब्जी खा रहे हो और साथ में मैं तो भाई मेरा फिक्स है, हम रोज खा रहा हूँ अपने। एंड ये रहा अपना सिटी स्कैन, जो सिटी स्कैन कराया था हमने, हाथ की पट्टी लगी हुई है, इसको निकाल दूंगा अभी। तो ये अपना सिटी स्कैन है, दिखाता हूँ आपको ये सिटी स्कैन। ओम ये देख मेरा भेजा, आपका भेजा तो 1500 में मिलेगा, 70% फ्लैट डिस्काउंट। तो ये रहा मेरा भेजा, दिस इज माय सिटी स्कैन। ओम उल्टा उल्टा सीधा कहाँ से होता है ये है ना? तो ये रहा, ये है मेरा सर, आप देख सकते हो गाइस, ये है अलग अलग एंगल से मेरे सर को दिखाया गया है। ये मेरा स्कल है, मेरी आँखें, पता नहीं क्या क्या है, तो सब कुछ है इसमें। बाकी तो ये सीटी स्कैन बिल्कुल फिट एंड फाइन नॉर्मल है, वैसे तो ये कराने की जरूरत नहीं थी लेकिन पापा को ये था कि बचपन में सर में चोट लगी थी तो कहीं उससे ये सब चीज़ें रिलेटेड ना हो। बाकी तो अभी खाता हूँ अमरूद एंड रेस्ट करता हूँ थोड़ा। बाकी अभी दिवाली की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है, पापा साफ कर रहे हैं पंखे, पापा साफ कर रहे हैं पंखे और हम गिरा देंगे सीढ़ी। क्या सीढ़ी गिरा देंगे? सीढ़ी गिरा देंगे, लटक देंगे ऐसे। गुड जॉब पापा, लगे रहो। पापा क्या है ये? इलेक्ट्रोल। इलेक्ट्रोल, ये इलेक्ट्रोल ना, ये डॉक्टर ने बोला आपको 1 लीटर पानी में ये है। अच्छा, आपने खा पा रहे हो ना तो वीकनेस हो जाएगी बेटा, परसों से खाना नहीं खा रखा। हाँ, अपनी मम्मी ने कुछ दाल दी है, बस दाल पीऊंगा। ये इलेक्ट्रोल टेस्टी होता है पापा, आपने इलेक्ट्रोल कहीं जवा था तो नहीं डाल दिया? नहीं, 1 लीटर पानी में पूरा पैकेट डालना है। अरे बाप रे, पूरा पानी का रंग भी बदल गया यार, तो लिमका लग रही है। 1 लीटर पानी में ना
ये खा ये खा रहा है खाना मेरे दोस्त मेरे भाई हैं एक पिघला भी नहीं पूरा देगी। अच्छा 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 एक लीटर पानी मिल जाएगा वो। अच्छा अच्छा बाकी अभी मैं दाल पी लेता हूँ अपनी, दाल ठंडी हो जाएगी वरना। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे एंड आपने कल का दिन देख ही लिया कैसा गया एंड आज मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि तबीयत में काफ़ी सुधार आया है एंड होप कल भी सुधार आए परसों सुधार आए एंड ऐसा करते करते आपका दिव्यांश पांडे बिल्कुल फॉर्म में आ जाए। बाकी जो कल का व्लॉग है उसका पूरा सहयोग जाएगा ओम को, ओम ने काफ़ी अच्छा काम करा है, काफ़ी अच्छा काम करा है एंड ये देख के दिल खुश हो गया। बाकी तो इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड अगर आपको व्लॉग देख के मज़ा आया है कुछ चेहरे में स्माइल आई है आपने एंजॉय करा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, टिल देन गुड बाय गुड लक टेक केयर ऑल द बेस्ट लिव योर लाइफ एज मच एज़ यू कैन। कल सुबह 8 बजे तैयार है ना, तब तक के लिए करता है।